अजीत अंजुम की पत्रकारिता का डीएनए करने की कोशिश में बुरा फंसा तिहाड़ी। चौधरी ने ट्विटर पर दिखाई हेकड़ी तो इतिहास का आईना ले खड़ी हो गई पूरी पत्रकारिता बिरादरी। तो यह खबर छपवा दी जानी चाहिए अब अखबार में, पोस्टर लग ही जाना चाहिए बाजार में कि तिहाड़ी वाली बीमारी का कोई सफल इलाज एम्स के डॉक्टर से लेकर हर फुटपाथ पर शफाखाना चला रहे बाबा बंगाली किसी के पास नहीं है। तिहाड़ रिटर्न्स बाबा चंद्रा के चेले खलिहरों के खेमे के वो खुन्नस खा हैं जिन के लिए ही शास्त्रों में लिखा गया है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अच्छा, अब इस बात पर आते हैं कि हुआ क्या है। तो हुआ ये कि देश के किसी एक सड़क पर चलते हुए पत्रकार अजीत अंजुम एक कट्टर जी न्यूज के दर्शक से जा टकराए। अजीत साहब पत्रकार आदमी, आदत से सवाली। श्रीमान से मुलाकात हुई तो देश के हालचाल पूछ लिए। सामने वाला बेचारा आम आदमी और ऊपर से जी न्यूज का दर्शक फुल टू मोदी मदिरा में टुल। जहां 100 रुपए में पेट्रोल खरीदने पर जनता की सांसें उखड़ रही हो, वहां जनाब 200 में भी पेट्रोल से याचमन करने के लिए कमर कसे हुए थे। अंबानी जी का सस्ता इंटरनेट था और अजीत अंजुम के सवालों का जलवा वीडियो सट से वायरल हो गया। डीएनए धारी तक वीडियो उसके किसी अजीज ने ट्विटर के हवाले से पहुंचा दिया। अपने ही फैलाए कचड़े से सामना हुआ तो तिहाड़ी का मन इतना भन्ना गया कि नैनो जीपीएस चिप का ज्ञाता ट्विटर पर ही तलवार भांजने लगा। तिहाड़ी ने सुधीर चौधरी नाम के किसी ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, पत्रकार के भेष में जो भी ये आदमी है, इसने एक वृद्ध ग्रामीण के मुंह में अपने शब्द डालने की पूरी कोशिश की। जब नहीं हुआ तो उसका मजाक उड़ाया, आखिर में झुंझला गया। ये लोग गांव वालों को अनपढ़ और बेवकूफ समझते हैं, जबकि है इसका उल्टा। ये बेरोजगार पत्रकार ईर्ष्या की आग में जल रहे हैं। सुधीर चौधरी ने ट्वीट नहीं किया था, बल्कि हलाल होने वाले बकरे की कतार में खुद ही माला पहनकर खड़ा हो गया था। अजीत अंजुम ने भी जी के जाहिल को थोड़ी तरबियत सिखाते हुए शुरुआत इतिहास के लेक्चर से ही की। अजीत अंजुम ने ट्वीट के जवाब में ट्वीट किया, चौधरी जी, ये वही आदमी है जिसके दफ्तर में आपको 100 करोड़ की वसूली के आरोप में एडिटर्स की बॉडी से निकाला गया था। सब कुछ कैमरे में होने के बाद भी आप बेशर्मी से अपनी ब्लैकमेलिंग का बचाव कर रहे थे। वसूली में जेल आप गए थे, ये बेरोजगार पत्रकार नहीं। अजीत अंजुम के तीर से सुधीर का सीना अभी उभर ही पाता कि उसके पहले ही अभिषार शर्मा ने तिहाड़ी के सिर पर इतिहास के 2-3 किस्सों के ईंट और दे मारे। पत्रकार अभिषार ने अजीत अंजुम के ट्वीट का रिप्लाई किया, करारा जवाब, ये आदमी कलंक है पत्रकारिता के नाम पर। एक टीचर को बदनाम करके उसने उसे भीड़ से नुचवा दिया था। इस तिहाड़ स्पेशलिस्ट के चैनल को 1 महीने बंद रहना पड़ा था। बेहुदा पत्रकार ही नहीं, इंसान भी है। अजीत और अभिषार के बाद इस गोदी गिद्ध के जो होश हवा से बातें कर रहे थे, उसे आखिरकार जमींदोज विनोद कापड़ी ने किया। विनोद ने ट्विटर पर 100 करोड़ के उगाही के मास्टरमाइंड को कायदे से छील कर रख दिया। उन्होंने ट्वीट किया, आंकड़े जानते हुए भी नहीं बताऊंगा सुधीर, पर जिसे तुम बेरोजगार कह रहे हो, वो सिर्फ सच और ईमानदारी के सहारे पत्रकारिता करके हर महीने सरकार की तिहाड़ी पर रखे गए तिहाड़ी संपादकों से 2 गुना कमा रहा है, इतना कि तुम अपने आका को बोलकर आईटी रेड करा सकते हो। तो इस तरह 3 पत्रकारों ने हरियाली सावन में तिहाड़ी के रंग हवा कर दिए। इस वीडियो में आज बस इतना ही। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए खबर अड्डा को सब्सक्राइब कर लें।